पंडित रामकृष्णा। महाराज सुना आपने? सुना महाराज, मेरे प्राण बच गए। वो नहीं, उससे पूर्व क्या कहा, ये सर्वप्रथम हमें मारने आए थे। हाँ हाँ जी महाराज, आप पर। वैसे घुंगरू महोदय, आपको ज्ञात होना चाहिए कि पंडित रामकृष्णा किसके लिए कार्य करते हैं। जी आपके। तो पंडित रामकृष्ण पर प्रहार करने का अर्थ यह हुआ कि आपने उन पर नहीं अपितु हम पर प्रहार किया है कि नहीं? जी। पंडित रामकृष्णा, अब बात आपकी समझ में आई? जी महाराज। तो घुंगरू महोदय, आपका समय समाप्त हो गया है, आपको अपना बाकी का जीवन कारावास में व्यतीत करना होगा। ले जाइए इन्हें। अरे मूर्खो, तुम इधर उधर क्यों टहल रहे हो? हम प्रतीक्षा कर रहे हैं गुरुजी। किसकी? महाराज के बुलावे की गुरुजी। कल रात विजयनगर की जनता के समक्ष जो लज्जास्पद दुर्घटना घटी, उसका दायित्व तो आपका है। अनंता लक्ष्मी आपकी बहन जो है। प्यारी बहन गुरुजी, प्यारी बहन। हे भगवान, अब क्या होगा? अरे हमारी प्यारी बहना अनंता लक्ष्मी। जी भ्राताश्री। तुम्हें क्या वो पंडित रामकृष्णा का साला, वो गधा, वो नालायक, वो मूर्ख गोविंदुल्लू ही मिला था? ऐसा क्या दिखाई दिया जो उससे विवाह करना चाहती? वो हम आपको नहीं बता सकते। क्यों? यदि हमने आपको बता दिया तो फिर आपको भी उससे प्रेम हो जाएगा। अच्छा, नहीं, शिव 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 शिव, प्रेम हो जाएगा? जी भ्राताश्री। देखा वरुण माला, देखा इस विजयनगर में मुख दिखाने की योग्य नहीं रहे। गुरुवर, आपके कर्मों का फल है। स्वामी, हमें प्रतीत होता है आप पर किसी की कुदृष्टि पड़ चुकी है। हम अभी लाल मिर्च का धुआं लाते हैं और उससे आपकी कुदृष्टि उतार देते हैं। नहीं नहीं नहीं, बस कोई आवश्यकता नहीं है वरुण माला। प्रणाम गुरुवर, महाराज ने आपको स्मरण किया है। जिस बात का भय था वही हुआ। अब महाराज को क्या उत्तर देंगे? मरवा डाला अनंता लक्ष्मी। चलिए महाराज, महाराज हमारे लिए न्याय कीजिए। महाराज न्याय कीजिए। महाराज आप हमारे गुरु हैं। महाराज है? हम आपके गुरु हैं महाराज, और आपके राज्य में हमारे साथ ऐसा हो रहा है महाराज। शांत हो जाइए गुरुवर, और शांति पूर्वक हमें बताइए कि आपके साथ क्या न्याय हुआ है। महाराज, कल सारे विजयनगर के समक्ष हमारा वर्षों का सम्मान धूल में मिल गया महाराज, और इसका कारण है ये पंडित रामकृष्ण। महाराज, इनके साले गोविंदुल्लू ने हमारी भोली भाली बहना को बहला फुसला कर मंच पर यह सब करने के लिए बाध्य किया। महाराज, इस षड्यंत्र में पंडित रामकृष्णा का पूरा सहयोग है, और हमारे चित को तभी शांति मिलेगी महाराज जब आप पंडित रामकृष्णा और गोविंदुल्लू को कठोर दंड देंगे। हाँ महाराज, हमारी भोली भाली बहना अनंता लक्ष्मी विजयनगर आई क्यों? शांत हो जाइए गुरुवर, आप शांत हो जाइए, आपको न्याय अवश्य मिलेगा। महामंत्री जी। महाराज, गोविंदलू और अनंता लक्ष्मी को यहाँ राज दरबार में प्रस्तुत किया जाए। अनंता लक्ष्मी क्यों महाराज? सारा दोष तो गोविंदलू का है। गुरुवर, आपने न्याय मांगा है, न्याय आपको अवश्य मिलेगा, और न्याय हम तभी कर पाएंगे जब अनंता लक्ष्मी भी यहाँ पर उपस्थित होंगे। जी महामंत्री जी। जो आज्ञा महाराज। कोतवाल, जाओ और लेकर आओ। गुरुवर, आप भी अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। हे
रामा, इसे कहते हैं आगे कुआं पीछे खाई। गुरुवर तो पूर्व से ही क्रोधित है, अब महाराज ने भी न्याय करने की ठान ली है। ये गोविंद तो तुझे बर्बाद किए बिना तेनाली नहीं जाएगा। प्रणाम महाराज। प्रणाम प्रणाम। अनंत लक्ष्मी। इधर इधर अनंत लक्ष्मी, जाओ जाओ। स्मरण रहे गोविंदुल्लु, यदि पुनः तुम्हारे मुख से हमारी बहना का नाम निकला तो यही भस्म कर देगी। अच्छा, भस्म कर देंगे, करके दिखाइए, हम भी देखते हैं कैसे करते हैं आप। देखिए शारदा देवी, हम आपसे नहीं गोविंदुल्लु से वार्तालाप कर रहे हैं। शांत शांत हो जाइए, आप सभी शांत हो जाइए, न्याय हम करने वाले हैं। अनंत लक्ष्मी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने कल मंच पर जो कुछ भी कहा, क्या वो कहने के लिए आपको किसी ने प्रेरित किया था? बताओ बहन, बताओ बताओ। जी महाराज, पंडित रामकृष्णा जी ने। सुना आपने महाराज, सुन लिया आपने महाराज? पंडित रामकृष्णा। महाराज, मैंने तो नल दमयंती के संवाद बोलने के लिए इन्हें प्रेरित किया था, और इन्हें क्या, मैंने तो मंत्री भर कोतवाल जी सबको ये संवाद बोलने के लिए प्रेरित किया था। जी महाराज, मैं कल के नाटक में राजा इंद्र बना था, परंतु पंडित रामकृष्णा ने मुझे हरे रंग की पोशाक दी थी महाराज, और हरे रंग की पोशाक। कोतवाल, शांत हो जाइए कोतवाल, आपकी व्यथा हम बाद में सुनेंगे, पहले हम न्याय करना चाहते हैं। आनंद लक्ष्मी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, कल नल दमयंती के संवादों के अतिरिक्त आपने जो कुछ भी मंच पर कहा, वो कहने के लिए आपको किसी ने बाध्य किया था क्या? पंडित रामकृष्णा जी ने नहीं, अपितु हमारे हृदय ने, हम गोविंदलु से प्रेम करते हैं और उसी से विवाह करना चाहते हैं। अनंता लक्ष्मी, तुम घर जाओ, घर जाओ। वो क्या है महाराज के, जब हम प्रातः घर से चले तो इसे ज्वर था, वैसा प्रतीत होता है कि वो ज्वर मस्तिष्क में चढ़ गया है। अनंता लक्ष्मी, तुम अभी इसी समय निवास पर जाओ, जाओ। नहीं नहीं गुरुवर, आपने हमसे न्याय मांगा था, न्याय तो आपको अवश्य मिलेगा, आप कहीं नहीं जाएंगी अनंत लक्ष्मी देवी। गोविंद लू। जी महाराज। क्या आप भी अनंत लक्ष्मी से प्रेम करते हैं? नहीं महाराज। मैं तो बस अनंत लक्ष्मी के साथ विवाह करना चाहता हूं। विवाह करना चाहता हूँ, आज तक एक फूटी कौड़ी भी नहीं कमाई और विवाह करने चले। गुरुवर, फूटी कौड़ी तो नहीं कमाई, परंतु कांसे का पात्र कमाया था रामलीला में बंदर बनकर। अब वही कांसे का पात्र हाथ में लेकर भिक्षा मांग मांग कर हमारी बहन का जीवन निर्वाह करोगे? नहीं गुरुवर, अभी तक मेरी दीक्षा पूर्ण नहीं हुई ना, जब तक दीक्षा पूर्ण नहीं होगी मैं भिक्षा मांगने के योग्य नहीं हूँ। ईश्वर, हमने पंडित रामकृष्णा पर संदेह करके अपना समय व्यर्थ किया, और हमारी इसी त्रुटि का लाभ उठाकर इस गोविंदुल्लु ने हमारी भोली भाली बहना को अपने प्रेम के जाल में फंसा लिया। आज हमें पूर्व में ज्ञात होता कि समस्या की जड़ पंडित रामकृष्णा नहीं, ये गोविंदुल्लु है। आपने सोच भी कैसे लिया कि मेरी सुंदर बहू के होते हुए मेरा रामा किसी दूसरी स्त्री पर दृष्टि उठाकर देख सकता है? हमें सुंदर काम आपने, हाँ आपने सोच भी कैसे लिया गुरुवर कि मेरे सामने सलोने पाके नौजवान भाई के होते हुए ये अनंता हमारे पति से आकर्षित हो सकती है? इन्हें देखिए और इसे देखिए। देखो अम्मेश्वरी, तुम इसे सुंदर कह रही हो और ये मुझे क्या कह रही है? यही तो हमसे सबसे बड़ी त्रुटि हो गई, अन्यथा आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। महाराज,
हमारे तो बुद्धि विवेक ने कार्य करना बंद कर दिया महाराज। समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें महाराज। आप ही बताएं महाराज क्या करना चाहिए, आप ही कुछ निर्णय दीजिए महाराज। अवश्य अनंत लक्ष्मी, कि आपको घर के कार्य करना आता है? महाराज हमारी प्यारी ननद इतनी भोली है कि उसे घर बैठकर खाना खाने के अलावा और कुछ नहीं आता है। गोविंदलु, आपकी दीक्षा अभी संपूर्ण नहीं हुई है। महाराज ऐसे लक्षण रहेंगे तो दीक्षा कहां से पूर्ण होगी? निश्चित है, हम निर्णय ले चुके, न्याय हो चुका है। अनंत लक्ष्मी और गोविंदलु, कल आप दोनों ने मंच पर जो कुछ भी कहा जो कुछ भी किया वो अनुचित था। हम जिस समाज में रहते हैं उसकी कुछ मर्यादाएं होती हैं और हमें उनका पालन करना चाहिए, परंतु आप दोनों ने इन मर्यादाओं का उल्लंघन किया है, अतः आप दोनों दंड के पात्र हैं। और आप दोनों का दंड ये है कि गुरुवर की षष्ठीपूर्ति विवाह के पश्चात आप दोनों पुनः अपने गांव चले जाएंगे। गोविंद लो, आप अपनी दीक्षा पूर्ण कीजिए, इसके पश्चात हम देखेंगे। दूर रहकर भी यदि आप दोनों में वही प्रेम बना रहता है तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेम है, युवावस्था का कोई आकर्षण नहीं है। और ऐसा होने पर हम स्वयं आप दोनों का विवाह हमारे राज दरबार में धूमधाम से कराएंगे। गोविंद लो, ये हमारा आदेश है और इसका पालन किया जाए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। बहुत सही न्याय किया महाराज, धन्यवाद। पंडित रामाकृष्ण, तुम हमारी कुंडली के पाप ग्रह हो जो हमारा जीवन दूषित करते रहोगे। तुम्हारा उपाय करना ही होगा। अनंत लक्ष्मी की समस्या तो हल हो गई, अब तुम्हारी करनी होगी। महाराज, हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं जिसका सीधा संबंध आपसे। आप इतनी महत्वपूर्ण हैं गुरुवर? जी महाराज। तो कहिए क्या बात? रामा, गुरुवर तेरी चुगली करने वाले हैं। महाराज वो बात हम आपको एकांत में बताना चाहते हैं, परंतु हाँ ये पंडित रामाकृष्ण का रहना अनिवार्य है। गुरुवर इस समय तो हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करना है, तो आपकी ये महत्वपूर्ण बात जो है वो आपके षष्ठीपूर्ति विवाह के पश्चात हम सुनेंगे। परंतु महाराज, गुरुवर आज की सभा यहीं समाप्त होती है। महाराज कृष्ण देव राय की, महाराज कृष्ण देव राय की। महाराज, महाराज आपने कष्ट क्यों किया? आपने हमें सूचित कर दिया होता, हम आ जाते आपके पास। ओ, राजकुमारी जी, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हम भी महाराज, परंतु पहले हम कहेंगे क्योंकि हमने कहा था कि हम बात करना चाहते हैं। कहिए महाराज। राजकुमारी जी, हम बालक नहीं हैं। महाराज हम भी आपको बालक नहीं, अभी तो पुरुष की भांति देखते हैं। देखिए आप हमें टोकिए मत, हमारी बात को पूर्ण हो जाने दीजिए। जो आज्ञा महाराज। हमें ज्ञात है आपके हृदय में हमारे लिए क्या भावना है। ईश्वर ने हमारी सुन ली, आप समझ गए। परंतु राजकुमारी जी, प्रत्येक कार्य और क्रिया का अपना एक निर्धारित समय होता है। परंतु महाराज, हमें टोकिए मत, हमारी बात को पूर्ण हो जाने दीजिए। राजकुमारी जी, हम आपको वचन देते हैं कि उचित समय पर हम आपके पिताश्री से
इस विषय में बात करेंगे। सच्ची? सत्य कह रहे, परंतु आपको भी एक वचन देना होगा। महाराज, आपके लिए तो हम अपना पूरा जीवन दे सकते हैं। उसकी आवश्यकता नहीं होगी, केवल वचन दीजिए कि जब तक हम स्वयं आपको उड़ीसा लेने नहीं आते हैं, तब तक आप यहां विजयनगर में नहीं पधारेंगे। परंतु राजकुमारी जी, बात को समझ, हमारा इस प्रकार मिलना अनुचित है। आप उड़ीसा नरेश की पुत्री है, आपकी गरिमा, आपका मान, आपका पद, इन सबको संभालिए, हमें प्रसन्नता होगी। जैसा आपका आदेश महाराज। धन्यवाद, हमने समस्त प्रबंध कर दिया है और हम चाहते हैं कि आप अभी इसी समय उड़ीसा के लिए रवाना हो जाएं। जो आ गया महाराज। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, शीघ्र पुनः भेंट होगी। क्या कह रही हैं आप? कैसा अन्याय हुआ है? महाराज, हम गुरुवर के शिष्य हैं। गुरुवर के विवाह में हमारे नृत्य का आयोजन नहीं रखा गया, तो ये अन्याय नहीं तो और क्या है? हम समझे क्या समझे गुरुवर? हम समझे नीचे देखो, आई देखो, आई देखो, वाह वाह।
कुछ समय पूर्व। गुरुजी कुछ तो बोलिए। बोलिए गुरुजी बोलिए। कुछ तो बोलिए स्वामी। गुरुजी कदाचित बैठे बैठे सो रहे हैं। नहीं धनी, इनकी तो आंखें खुली हुई हैं। किसी ने हमारे गुरुजी पे कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया। मुझे भी ऐसा लगता है धनी। शुभ शुभ बोलो। तो निश्चित ही हमारे गुरुजी ने मौन व्रत धारण किया होगा। तो धनी हिल क्यों नहीं रहे, उठ बैठ क्यों नहीं रहे हमारे गुरुजी? क्या अम्मा देखो ना क्या हो गया इन्हें, सुबह से अपने आप से क्यों बड़बड़ा रहे? कहीं इन पे कोई भूत प्रेत तो नहीं चढ़ गया? मेरा पुत्र कोई पीपल का पेड़ है जो सदैव भूत प्रेत चढ़ जाएगा? सत्य कहा अम्मा, यदि भूत प्रेत है तो हमें उतारना आता है। आता है। अगर चढ़ गया है तो उतारना भी मुझे आता है। सही कह रहे हैं, चलिए। ये क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हो अम्मा? आप अनाथ ऐसे कहाँ खो जाते हैं? मैं कुछ सोच रहा था। सोच रहे थे? ये अपनी प्रिय बहन का स्मरण कर रहे थे? मत स्मरण दिलाओ उसका, बहुत कष्ट होता है, दुख होता है, पीड़ा होती है, तड़प होती है। कहीं आपको गोविंद की कमी तो नहीं खा रही है? अरे नहीं नहीं, मैं उसे कदापि स्मरण नहीं कर रहा था। उसके जाने से तो प्रसन्नता हो रही है, आनंद आ रहा है, मन प्रफुल्लित हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। अर्थात आप उसको बिल्कुल स्मरण नहीं कर रहे? शारदा, बुरे समय को भी कोई स्मरण करता है भला? गोविंदुलु, मेरे खड़ा हुआ और थैला कहाँ है? गोविंद का है? हाँ? और आप तो कह रहे थे कि आप गोविंद को बिल्कुल स्मरण नहीं करें? हाँ अम्मा, जरा सोचो, मैं गोविंद को इतना स्मरण कर रहा हूँ जिससे केवल मैं चिढ़ता और कुड़ता रहता था, तो गुरुवर अपनी बहन को कितना स्मरण कर रहे होंगे जिससे वो कितना प्रेम करते हैं। हमें यहाँ वहाँ दाएं बाएं आगे पीछे हर और उसी की ध्वनि सुनाई देती। कान बजते हैं कभी कभी, कान नहीं बजे मूर्खो। हमें हमारी बहना की याद आ रही है जिसे उस पंडित रामाकृष्णा के कारण वापस जाना पड़ा। कहीं ना कहीं उसके जाने का कारण मैं ही हूँ। मुझे एक लड़की का निजी जीवन इस प्रकार अरे दरबार में नहीं आने देना चाहिए था। सारा दोष मेरा ही है। उठा लो। क्या? अपने मन से ये बोझ उठा लो। सारा दोष उस लड़की का है अम्मा, जिसने मेरे गोविंद पे डोरे डाले। तो तुम्हारा भाई कौन सा दूध का धुला है? अनंता ने यदि डोरे डाले भी तो गोविंदुलू ने भी तो समेटे ना। इसलिए मुझे जाकर गुरुवर से एक क्षमा मांगनी चाहिए। हाँ कुल्हाड़ी पैर पर नहीं गिरी तो पैर कुल्हाड़ी पर मारने जा रहे हैं। अरे तू देखना आज घमासान जो ढोने वाला है, अगर वो गलती से भी रामा हमारे गुरुजी के समक्ष आ गया ना तो गुरुजी अपने मंत्रों की शक्ति से कहीं भस्म ही ना कर दे। अभी बुड्ढा भड़केगा, भड़केगा अभी, अभी बादल गरजेगा। कैसे बोलूं क्या बोलूं, कहीं क्रोध में अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। गुरुवर तुम्हें जो करना था कर चुके, अब हमारा अवसर है। बहुत रुक लिया,
अब हम रुकने वाले नहीं हैं। आज महाराज को बताएंगे कि जगन मोहिनी को किसी और ने नहीं, उन्हीं के प्रिय पंडित रामाकृष्णा ने लिखा था वो प्रेम पत्र। तत्पश्चात देखते हैं कितने प्रिय रहते हो तुम महाराज के। रामा अब क्या करेगा, गया तू तो काम से, एक पत्र के चक्कर में तू दंड का पात्र बन जाएगा। मेरी मान कोई और ठिकाना सोच ले, पिछली बार की भांति हिमालय में सोच लेना, शीत ऋतु प्रारंभ हो गई है ना। देख ले मनी, इस बार सर्दी में भी गर्मी चढ़ी गुरुवर पर। अब इन्हें कोई नहीं रोक सकता। मुन्ना मुन्ना, हमें इस नाम से बुलाने का साहस कैसे हुआ तुम्हारा? हमने नहीं कहा गुरुजी आपको मुन्ना। और ये मुन्ना ये शब्द तो हमारे जीवन पर कभी आ ही नहीं सकता। कभी आना भी नहीं चाहिए। हमें इस नाम से बुलाने का अधिकार केवल और केवल हमारे अन्ना को है। तुम्हारे अन्ना ही तुम्हें बुला रहे हैं मुन्ना। पराक्रमी पंडित जिसकी इतनी शानदार पालकी है और इतने सारे सेवक है, वो भी इतने हट्टे कट्टे। धनी, काश हम इस बुड्ढे के नहीं इनके शिष्य होते, कितना आनंद आ रहा होगा। अन्ना अन्ना, मुन्ना गया खेलने पिट्टू, अन्ना ने मारा चट्टू, मुन्ना लगा रोने, अन्ना लाए खिलौने, मुन्ना लगा हंसने और दौड़ा अन्ना को बाहों में कसने। मुन्ना पैर में चोट लगी है, नीचे कुछ गंदा है। विजयनगर की मिट्टी आपको पसंद नहीं आई? हे नाथ, इसकी बुद्धि में तनिक प्रकाश डालो। क्या हुआ? आलोकित करो। अरे इसमें तो संस्कार ही नहीं है। क्षमा अन्ना, क्षमा अन्ना। शुभाशीष शुभाशीष। अरे देख क्या रहे हो, प्रणाम करो, बड़े भैया हैं हमारे। हाँ, परम पूज्य परम पराक्रमी पंडित अन्नाचार्य। मनी, हाँ? उनका शिष्य बनने में ही लाभ है गुरु जी, कुछ और जल्दी से जल्दी नहीं प्रभावित कर ले। अच्छा। शासन दंडवत प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भाव, उठो वत्स। ना हमारे शिष्य धनी, मनी ये बताइए कि यहाँ आने का कष्ट कैसे किया आपने? हम तो तुम्हें रोकने आ रहे थे। धनी, तुम पत्र के विषय में बताने जा रहे थे ना? अन्ना, आपको उस पत्र के विषय में कैसे ज्ञात हुआ? हम तो उड़ते हुए बाज की आंखों में आंख डालकर ये ज्ञात कर लेते हैं कि उसकी दृष्टि कहाँ और किस पर है। फिर ये पत्र तो एक साधारण घटना है। अच्छा, तो ये ब्रह्म दृष्टि वाली प्रथा गुरुजी की पारिवारिक प्रथा है। सत्य गादनी सत्य गादनी। ना ये साधारण बात नहीं है। मुन्ना, तनाव नहीं अनाचार्य है ना? केमु वाचम? तनाव मतलब मुन्ना अनाचार्य है। अन्ना, परंतु समस्या। हम तो तुम्हारी समस्या जड़ से मिटाने आए। अच्छा बताइए। परंतु पहले थोड़ी भूख मिटा ले और तनिक आराम कर ले। केमु वाचम? पहले थोड़ी भूख मिटा ले। बोले श्री श्री अनाचार्य की। बोले श्री श्री अनाचार्य की। आप अभी अभी तो आए हैं, तनिक विश्राम कर लीजिए। कोई कैसे विश्राम करे जब उसे ज्ञात है कि आज उसका पूर्ण विराम है। ये क्या बोल रहे हैं, और अपन ये सामान क्यों बांध रहे हैं?
कहीं आपको पुनः निष्कासित तो नहीं कर दिया? पुनः निष्कासित? हाँ, इतना आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है। निष्कासित हुआ नहीं हूँ किंतु हो सकता हूँ, वो भी तुम दोनों के कारण। तुम दोनों के कारण ही गुरुवर के समक्ष उस पत्र का भांडा फूटा था ना, तो अब सुन लो, भाग्य फूटने वाला है भाग्य। कोई बात पेट में नहीं रुकती, एक बार को 15 अदरक पचा जाए लेकिन तुम दोनों के पेट में कोई बात नहीं पचती। बस बस इतना भी मत बोलियो कि हमें रोना आ जाए। तुम्हें रोना आए ना आए कि तुम, मुझे तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा। गुरुवर गए हैं महाराज को उस पत्र के विषय में बताने के लिए, और इससे पूर्व कि महाराज मुझे निष्कासित करें, मैं स्वयं ही निष्कासित होकर यहाँ से लुप्त हो जाऊंगा। अन्ना, हम सोच रहे थे आपके लिए खाने में ना खिचड़ी बनवा देते हैं, आपको पसंद है या कुछ और खाएंगे आप? मुन्ना, हम इतने साल से आश्रम में रहे हैं, रूखी रोटी और मिर्च खाने वाले मानव हैं। महान है, वाह। वरुणाला, अन्ना के लिए रूखी रोटी और मिर्च लेकर आओ। नहीं नहीं, आज स्वाद परिवर्तित करने का मन है, कुछ अधिक बनाने के लिए नहीं बोलेंगे, बस इतना कर दो, मात्र 56 भोग बनवा दो। 56 भोग? 56 भोग? हाँ, 56 भोग खाने के बाद हम तुम्हारी सारी समस्या को मिटाने का उपाय बताएंगे। अच्छा, वरुण वाला जी, अन्ना के लिए 56 भोग लाओ। जो आज्ञा स्वामी, हम अभी लाते हैं। रखो रखो, ये लीजिए गुरुजी, ले लीजिए ना 56 भोग। आप बताइए ना। अब बताइए ना अन्ना, कैसे मिटेगी हमारी समस्या, क्या है समाधान? रसगुल्ला। रसगुल्ला? हाँ, रसगुल्ला खाने के बाद। ओह, रसगुल्ला, ये लीजिए अन्ना, सेवन कीजिए। अब बताइए, पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारे अनुसार क्या है समाधान? उस पत्र का भेद? हाँ? महाराज को ज्ञात होते ही वो तुरंत पंडित रामाकृष्णा को दंड देंगे। ना, बात बन भी सकती है, बात बिगड़ भी सकती है। कैसे कैसे? रसमलाई। हाँ, रसमलाई, ये लीजिए रसमलाई। रसमलाई? ना, अब बताइए ना, ये बात कैसे बन भी सकती है और बिगड़ भी सकती है? पहला पत्र रामा ने लिखा था। हाँ, तो दूसरा पत्र किसने लिखवाया? तुमने ना मुन्ना? हाँ। अगर रामा को मिलेगा दंड तो तुम्हें क्या मिलेगा? महादंड। सोचो मुन्ना। अच्छा, परंतु महाराज को ज्ञात कैसे होगा? जैसे मुझे ज्ञात हुआ, दीवारों के भी कान होते हैं। हे भगवान। घबराओ मत, तुम्हारे अनाचार्य है ना। परंतु अन्ना, यदि हम महाराज को नहीं बताएंगे तो रामा को दंड कैसे दिलवाएंगे? तुम्हारी समस्या क्या है? रामा या वो पत्र? रामा है ना? हाँ, रामा, वही है हमारी समस्या ना, वही है। कभी हमारे गले में बला बनकर लटक जाता है, कभी हमारे पैरों में बेड़िया बनकर अटक जाता है। सोचो तुम्हारे पैरों की बेड़ी तुम्हारे हाथों की कठपुतली बन जाए तो? हाथों की कठपुतली? परंतु ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता मुन्ना, तुम्हारे अनाचार्य है ना। परंतु ना, कैसे 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 है? ये क्या है? जलेबी। जलेबी? अरे जलेबी, ये लो ना। अब बताइए जलेबी।
अब तो बताइए ना। इतना खा पी लिया है, तनिक लेट जाए तब बताते हैं क्या है हमारा ब्रह्मास्त्र। अच्छा विश्राम कीजिए। अन्ना अब तो बताइए ना। पैर दबाने के पश्चात, पैर दबाओ। जी गुरुजी। पैर दबाते ही तुम दबाओ। अरे जाने दीजिए ना। हैं? ऐसा प्रतीत होता है ना तो आपके पास की ब्रह्मास्त्र है और ना इस समस्या का समाधान। बस आप तो बचपन की भांति खेल खेल कर हमसे पैर दबवाना चाहते हैं। अर्थात तुम नहीं दबाओगे? नहीं दबाएंगे। पहले समस्या का समाधान बताओ। हमें ये बताओ कि पंडित रामकृष्ण कैसे हमारे हाथों की कठपुतली बनेगा। उचित है तो हम रामा से ही दबवा लेंगे। हैं? हैं? रामा से पैर दबवा लेंगे? रामा से कैसे पैर दबवाएंगे? हमारे ही नहीं तुम्हारे भी। हमारे भी? तो ऐसे कैसे संभव हो सकता है? विश्वास करो बन्ना, तुम्हारे अनाचार है ना। हम अनाचार तो हैं, परंतु ये होगा कैसे? रामा, रामा, ये कैसा हो सकता है? रामा सामने आओ, पैर दबाओ। हमारे नहीं मुन्ना के। अब तो मुन्ना को प्यास भी लग गई होगी, थोड़ा जल भी पिलवा दो। विश्वास नहीं हो रहा है ना? इसे कोई आज्ञा दो, इसे तो तुम्हारी ही कठपुतली बन के रहना है ना? रामा उठो। नहीं बैठो, उठो, ऊपर देखो, नीचे देखो, दाएं देखो, बाएं देखो। बाबा नीचे रखो। मनी आज तक तो हमारे गुरुजी की हमने इतनी नहीं सुनी जितनी ये रामा सुन रहा है। तो बोलो मुन्ना, चाहिए ना तुम्हें यही कठपुतली?
तो बोलो मुन्ना, चाहिए ना तुम्हें यही कठपुतली? अन्ना, परंतु ये कैसे संभव हो सकता है? क्या जादू कर दिया आपने पंडित रामकृष्ण पर? कौन सी औषधि पिला दी आपने पंडित रामकृष्ण को? तुम गलत समझ रहे हो मुन्ना, ये दूध नहीं मक्खन है, शुद्ध मक्खन है, अर्थात दही नहीं खीर है, खीर है, अर्थात ये रामा नहीं सुदामा है, हमारा शिष्य, ये बनेगा तुम्हारे लिए तुम्हारा ब्रह्मास्त्र और रामा के लिए उसका सूर्यास्त्र। परंतु अन्ना, रामा जो है वो मुख से नहीं बुद्धि से माना जाता है, तो मुख एक जैसा होने से कुछ नहीं होता, बुद्धि भी एक जैसी होनी चाहिए। बुद्धि? ले लो इसकी बुद्धि की परीक्षा। पता नहीं माँ कैसी परीक्षा ले रही है, मैंने तो जो किया था अच्छे के लिए किया था, कदाचित विधि त्रुटिपूर्ण थी, मुझे झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए था। देख भास्कर देख और शिक्षा ले, उचित कार्य के लिए भी अनुचित मार्ग अपनाना भारी पड़ सकता है, इसलिए मिथ्या का साथ कभी मत अपनाना, मिथ्या का साथ सदैव हानिकारक ही होता है। अम्मा, इससे पहले कि महाराज मेरा ठिकाना बदले और मुझे कारागार में डाल दे, मुझे तुम सबको छोड़कर जाना ही उचित होगा। क्षमा करना अम्मा, मैं तुम सबकी आशाओं पर खरा नहीं उतरा। हलती, तुझ अकेले से नहीं हुई है, हम भी भागीदार हैं। अगर तू जाएगा तो हम भी तेरे साथ जाएंगे। किस बात की प्रतीक्षा है? ले लो परीक्षा, कर लो ज्ञात कि ये मुख से ही रामा जैसा है या बुद्धि से भी। हाँ। गुरुजी, हमारे गुरुजी क्या परीक्षा लेंगे? ना ना मुन्ना, हिचकिचाओ मत, जो भी परीक्षा लेनी है ले लो। क्या पूछे? गुरुजी आप क्यों विचलित हो रहे हैं? आज तक इतनी सारी तो परीक्षाएं दी है आपने और लगभग सभी में ही असफलता ही प्राप्त हुई है, पूछ लीजिए उसी में से कोई प्रश्न, उसी में से कोई परीक्षा ले लीजिए। हाँ, कोशिश कीजिए गुरुजी, कोशिश। मारी कभी कभी ये दोनों मूर्ख भी बुद्धिमानी की बात कर जाते हैं। हम परीक्षण के लिए तैयार हैं। मैं भी परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। तो एक भूल भुलैया है, हैं? उसमें कई भूतिया सुरंगे हैं और तुम एक सुरंग के बीचों बीच फंसे हो, तो कैसे ज्ञात करोगे कौन से रास्ते से बाहर निकलना है? बताओ बताओ बताओ। सरल है, मैं सुरंग की रेत उठाकर देखूंगा, जिस ओर से वायु आ रही होगी उसी सुरंग में जाना चाहिए, बाहर से अंदर आने का मार्ग वहीं से होगा। वायु का प्रवाह उत्तर दिशा की ओर है, तो हमें उत्तर दिशा की ओर बढ़ना है,
आओ आओ। गुरुवर, वायु का प्रवाह दक्षिण दिशा से आया है, इसलिए बाहर जाने का मार्ग और द्वार अवश्य वहीं होगा। उधर चलिए, दक्षिण दिशा में। अब कैसे वश में करूं इस खुजली को? गुरुजी, इसने तो पलक झपकते ही जवाब दे दिया। वो धीमान दिखता है। ये तर तो धनी मनी भी दे देते। अर्थात आप गुरुजी हमें बुद्धिमान कह रहे हैं। हमारे कहने का तात्पर्य है, ये उत्तर तो कोई भी मूर्ख दे देता। अब इस प्रश्न का उत्तर दो तो हम माने। जो आप कहें छोटे स्वामी, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। मुद्राओं से भरी एक बड़ी सी पोटली है और उसके दो दावेदार हैं, एक चुने वाला और दूसरा दर्जी। परंतु ये जो पोटली है ये किसी तीसरे की है। तीसरा तेल का व्यापारी है। प्रश्न का उत्तर तो इस मूर्ख ने दे दिया। अब तुम केवल इतना बताओ, कैसे ज्ञात करोगे पोटली में जो धन है वो तेल वाले का है? अति उत्तम प्रश्न है मुन्ना। कोई शीघ्रता नहीं है, हमें विदित है कि प्रश्न कठिन है। जितना समय लेना चाहो लो 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 लो। नहीं नहीं छोटे स्वामी, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए समय नहीं, मात्र एक जल का पात्र चाहिए। उस पोटली को खोलकर उस पात्र में रख दीजिए। यदि कुछ समय पश्चात जल के ऊपर तेल तैरता हुआ दिखे तो समझ जाइए कि वो पोटली तेल वाले के पसीने की कमाई है। किंतु समस्या का हल तो हो गया। लेकिन प्रमाण क्या है? जल पर तैरता हुआ ये तेल। क्यों मुन्ना, हो गई ना तसल्ली? हाँ, एक काम करो, एक प्रश्न और पूछ लो। हाँ, दो पड़ोसी हैं और एक आम का पेड़ है। अब दोनों ये दावा कर रहे हैं वो आम का पेड़ उसका है। एक कहता है कि आम के पेड़ की देखभाल मैंने की है तो पेड़ मेरा है। दूसरा कहता कि नहीं नहीं, मैंने देख रेख की है, मैंने सींचा है, तो इस पर लगे जितने भी फल हैं वो मेरे हैं। और दोनों में से कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। अब ये बताओ, सच कैसे ज्ञात होगा? ये कैसे ज्ञात होगा कि कौन सच्चा है? हैं? बोलो, क्या हुआ? समझ में नहीं आ रहा कि उत्तर क्या होगा? ये अच्छा सवाल पूछा गुरुजी ने। सुदामा, जवाब दो। नहीं नहीं छोटे स्वामी, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप इतने सरल सरल से प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं। सरल? अच्छा, यदि सरल है तो उत्तर बताओ क्या है। सीधे पेड़ को जड़ से उखाड़ने का आदेश दे देना चाहिए। इससे जो उस पेड़ पर झूठा अधिकार जता रहा होगा वो उस पेड़ की लकड़ी के लालच में मान जाएगा, किंतु जो सच्चा अधिकार जता रहा होगा, जिसने उस पेड़ को अपने खून पसीने से सींच कर पाला पोसा होगा, वो पीछे हट जाएगा और वो इस आदेश को कदापि नहीं मानेगा। वाह वाह, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तुम रामा की तरह दिखते ही नहीं, रामा की तरह सोचते भी हो। अन्ना, ये छाछ नहीं, ये तो मक्खन। मक्खन नहीं, ये तो शुद्ध घी है। कहां से लाए आप इसे? मुन्ना, एक दिन हम एक मेले में ध्यान में बैठे थे। अच्छा। और तभी हम तुम्हारे बारे में सोचने लगे, तो हमें हमारी ब्रह्म दृष्टि से ज्ञात हुआ कि तुम घोर कष्ट और व्यथा में जीवन यापन कर रहे हो। और तुम्हारे इस कष्ट का कारण मात्र मात्र रामा ही है। ये तो है,
बिल्कुल सही दिखा आपकी ब्रह्म दृष्टि से। और जब तुम्हारे कष्ट और दुविधा का उपाय हमने प्रभु से मांगा तो हमारी आंखें खुली और सामने एक नौटंकी का मंच था। उस मंच पर एक कलाकार था जो एक राजा का पात्र निभा रहा था। राजा वो है जो सदैव राज्य की रक्षा करे। राजा वो है। कौन है? जो सत्य का साथ दे। हाँ, जो सत्य का साथ दे। राजा वो है जो खुजली करे। नहीं, राजा वो है जो सदैव धर्म के पथ पर चले। राजा वो है जो सदैव अपनी प्रजा की रक्षा के लिए तत्पर रहे। मैं अपनी प्रजा के लिए पूर्ण रूपेण तत्पर हूँ। ये तो शत प्रतिशत रामा, पंडित रामा। अद्भुत। अर्थात इसे खुजली करोगे? मुन्ना, तुमने खुजली का नाम क्यों ले लिया? हे भगवान। सुदामा, सुदामा, नियंत्रण करो। मुझे भी खुजली होने लगी। रामा खुजली क्यों कर रहा है? कंधे की चोट के साथ साथ बस यही कमी है। सुदामा, खुजली पे नियंत्रण करो। सुदामा नियंत्रण। 100 से 1 तक गिनती गिनो। 100, 99, 98, 98। हमें खुजली हो रही। शून्य। हे भगवान। ओ हो, ना ये चोट का चिन्ह तो अंग वस्त्र पहनने से छिप गया, परंतु इसका रोग कैसे नियंत्रण में आएगा? खुजली पे तो ये नियंत्रण कर लेगा। इतना प्रशिक्षित तो मैंने इसको कर दिया है, परंतु किसी ने इसके सामने खुजली का नाम ले भी लिया तो नियंत्रण करना कठिन है, अन्यथा ये पूर्ण रूप से रामा का स्थान लेने के लिए तैयार है। अच्छा है, परंतु अन्ना असली रामा का क्या करेंगे? रामा भगवान में विश्वास करने वाला मानव है। उसकी इसी कमजोरी को अपना अस्त्र बनाओ और अपने रास्ते से हटाओ। परंतु कैसे? चिंता मत करो मुन्नाचार्य, अनाचार्य है ना, बाकी मैं तुम्हें समझाता हूं। आओ। क्या हम सच में जा रहे हैं? मिला तो कोई अपराध भी नहीं है, मुझे भी जाना पड़ेगा क्या? संकट से घबरा कर भाग रहा हूं। हे माँ, कोई तो संकेत दो, सच में चला जाऊं या रुको? तो मुन्ना, आ गया ना तुम्हारी समझ में पंडित रामा कृष्णा को कैसे नियंत्रित करना है?
समझ गए। हमारे बड़े भैया समझाएं और हम ना समझे, ऐसा कैसे हो सकता है? सारी समस्या तो तुम्हारी समझ की है। आपने कुछ कहा भैया? शीघ्र जाओ और नियंत्रण में करो पंडित रामाकृष्णा को। और सुदामा तुम तैयार हो जाओ पंडित रामाकृष्णा का स्थान ग्रहण करने के लिए। स्वामी मेरे विचार से हमें वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, पंडित रामाकृष्णा तो अपने आप लुप्त हो जाएगा। वो कोई बादल है क्या जो बरसकर अपने आप चला जाएगा? छोटे स्वामी हमें उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने ही कुछ किया है। ये मेरी आज्ञा के बिना कुछ नहीं करता। अब हमारी आज्ञा के बिना कुछ नहीं करोगे ना? आओ अब हम तुम्हें ये समझाते हैं कि आगे क्या करना है। इन्हें तो नहीं रोक पाया, प्रतीत होता है अब दौलत खान को ही जाकर रोकना होगा, नहीं तो दौलत खान और तथाचार्य यदि एक ही स्थान पर पहुंच गए तो मेरी असली योजना चौपट हो जाएगी इन पंडितों के कारण। अम्मा कुछ शुभ संकेत नहीं मिल रहे, एक कार्य करते हैं, आज रात्रि यहीं रुक जाते हैं, कल प्रातः तय करके निकलेंगे। हाँ क्या तय कर लोगे पंडित रामाकृष्णा? प्रातःकाल तक का तो समय नहीं है आपके पास। हो रहा है भांडा महाराज के समक्ष, बता दिया सब कुछ उन्हें। गुरुजी आप ही रामा को बता क्यों नहीं देते हैं कि अभी तक आपने महाराज को कुछ भी नहीं बताया है? बड़ा व्याकुल किया इसने हमें, हमें भी इसे थोड़ा व्याकुल करने दो। बड़ी कठिनाई से यह अवसर प्राप्त हुआ है। बताइए ना गुरुवर क्या हुआ? महाराज तो बहुत आग बबूला हुए होंगे, मुझे दंड देने का आदेश भी दे दिया होगा। कहिए गुरुवर, कहिए क्या हुआ? नहीं कहा, महाराज ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि हमने ही महाराज को कुछ नहीं कहा। दया आ गई हमें आप पर और आपके परिवार पर पंडित रामाकृष्ण। तो क्या करें, ईश्वर ने हमारा हृदय बनाया इतना विशाल है। अर्थात आपने मुझे क्षमा कर दिया? नहीं किया, कदापि नहीं किया, परंतु कर सकते हैं एक वचन पर। शेर थोड़ा सा घायल क्या हो गया? लोमड़ी पूरी तैयारी के साथ आ गई धाबा बोलने। कैसा वचन? आपको प्रायश्चित करना होगा पंडित रामाकृष्ण, आपको एक माह के लिए विजयनगर छोड़कर तिरुपति तीर्थ के लिए जाना होगा। इस प्रकार धुलेगा आपका ये पाप और इस प्रकार मिलेगी आपको क्षमा। गुरुजी रामा के साथ भास्कर को भी भिजवाओ, रामा के लिए उसे नियंत्रण करना भी अत्यंत ही कठिन होगा। और हाँ सुनिए, पत्नी और बच्चे के बिना तीर्थ अधूरा होता है, इसलिए अपने बच्चे को और पत्नी को भी साथ में लेकर जाइए। अम्मा उठा लो। अरे अम्मा क्या बार बार डंडा उठा लेती हैं? हम कह रहे पोटली उठा लो और तीर्थ यात्रा पे चल पड़ो हमारे साथ, आपके भी लगे हाथ सारे पाप धुल जाएंगे। क्षमा अम्मा क्षमा, विचार हमारे थे परंतु त्रुटि से मुख से निकल गए, क्षमा। अम्मा की चिंता मत करो शारदा देवी, गुंडप्पा है ना अम्मा का ध्यान रखने के लिए। क्या
क्या सोच रहे हो पंडित रामकृष्ण? तीर्थ कराओगे तो संभवतः आपको आपकी देवी माँ भी क्षमा कर देंगी। बापू, ये आपकी दुर्बलता का लाभ उठा रहा है। ये जिसे मेरी दुर्बलता समझ के लाभ उठाना चाहता है, असल में वो मेरी शक्ति है। संभवतः यही है माता का संकेत जो उनसे मांगा था। बोलिए 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 पंडित रामकृष्ण, बोलिए क्या चाहिए आपको? महाराज से असत्य बोलने का दंड या स्वयं ईश्वर से क्षमा? बोलिए पंडित रामकृष्ण, क्या चाहते हैं आप? काल कोठरी या तीर्थ? तिरुपति तीर्थ। प्रणाम पंडित रामकृष्ण। अच्छा हुआ अम्मा ने साथ आने की जिज्ञासा पर दबाव नहीं दिया, पैदल चलना पड़ता थक जाती बेचारी। उचित कहा। थक नहीं जाती, आपको थका देती बापू। चलो इसी बहाने तिरुपति के दर्शन भी हो जाएंगे। एक बात तो व्यक्ति को गांठ बांध कर रख लेनी चाहिए कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मुझे संदेह है इस बार जो हो रहा है वो गुरुदेव के अच्छे के लिए हो रहा है। कहाँ जाना है महोदय, कहीं छोड़ दूँ? इतनी रात्रि को गाड़ीवान भी मिल गया। मैंने कहा था ना शारदा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इतनी रात्रि को अनायास गाड़ी वाला? जाने दे भास्कर, तू कुछ अधिक ही संदेह कर रहा है। चलिए। मेरा संदेह अनुचित नहीं है बापू, मुझे जो दिख रहा है वो बुरे के लिए होता दिख रहा है। लगता है ये भी बहुत प्रसन्न है जाने के लिए। देखो कैसे हाथ पैर मार रहा है। मैं हाथ पैर नहीं मार रहा, परंतु कोई हमें मारने की ताक लगाए बैठा है आगे पेड़ के पीछे। निश्चित ही ये तथाचार्य जी की कोई चाल है। ये तीर्थ नहीं, स्वर्ग पहुँचाने की व्यवस्था हो रही है। तो ये लोग गाड़ी में बैठ गए, इसका अर्थ ये है कि दौलत खान अपनी चाल चलने को तैयार है। अब इसे रोकना असंभव है। हो गया काम मुकम्मल, अब आगे का काम सुदामा करेगा। चुनौती के चक्कर में असली पंडित रामकृष्ण का अपहरण तो कर लिया, किंतु ये नहीं जानते कि असली पंडित रामकृष्ण है क्या। इन्हें सतर्क करना होगा। शारदा, शारदा, शारदा उठो। हम तो तीर्थ गए थे, इस बंद कार कोठरी में कैसे फंस गए? वही तो मैं सोच रहा हूँ, हम यहाँ कैसे आ गए? लो हो गया कल्याण, यही होता है जब कोई मेरी बात नहीं समझता है। इतनी रात्रि को बैलगाड़ी और गाड़ीवान भी मिल गया। मैंने कहा था ना शारदा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लगता है ये भी बहुत प्रसन्न है जाने के लिए। देखो कैसे हाथ पैर मार रहा है। अपहरण, हमारा अपहरण हुआ है शारदा। अपहरण? हमारा अपहरण कौन करेगा और क्यों? मैंने अगवा किया है उन्हें, दौलत खान ने, क्योंकि काम को अंजाम देना मेरा शौक ही नहीं, मेरी लत है, लत। इसलिए तो कहता हूँ कि ऊंट का पेट जीरे से भर सकता है, लेकिन दौलत खान कोई भी चुनौती नहीं हार सकता। कौन है ये लोग और इनकी योजना क्या है?
किंतु चुनौती पूर्ण करने की इतनी शीघ्रता क्यों थी? वो तो अपने आप ही मार्ग से हटने वाला था। मेरी योजना मुकम्मल हो इसलिए मैं कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता था। सब कुछ अपनी योजना के अनुसार ही हो रहा। पहले मैं अन्नाचार्य को पटाकर तथाचार्य तक पहुंचा, फिर तथाचार्य को मूर्ख बनाकर पंडित रामाकृष्ण के स्थान पर पहुंचा। अब पंडित रामाकृष्ण का स्थान लेकर मुझे महाराज कृष्णदेव राय के समीप पहुंचना है। वाह सुदामा वाह। और वहां वो दो पंडित ये सोच रहे होंगे कि तुम उनके हाथ की कठपुतली हो, लेकिन हकीकत तो ये है कि उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि वो तुम्हारे हाथ की कठपुतली है। वाह सुदामा वाह, मुझे फख्र है तुम पर। अन्ना लाओ लाओ रखो, ये लीजिए अन्ना रखो। अन्ना यदि आपको भूख लगे तो ये फल और मिष्ठान है, ग्रहण कर लीजिए। प्यास लगे तो शीतल जल, और कुछ और चाहिए तो हम द्वार के बाहर उपस्थित हैं, निसंकोच पुकार लीजिएगा। और ये धनी मनी, ये आपकी सेवा में सदैव उपस्थित रहेंगे। मनी अब तू देखना, ये बुड्ढा कार्य तो हमसे दुगना कराएगा, किंतु वेतन तो आधा भी नहीं देगा। अरे जब से इस बुड्ढे का शिष्य बनाऊ मैं तो भूल ही गया हूँ कि वेतन क्या होता है। कुछ नहीं गुरु जी कुछ नहीं, तुम और कष्ट मत उठाओ, जाओ और जाकर निश्चिंत होकर सो जाओ। जी अन्ना। प्रणाम। प्रणाम। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। चल हटो हटो। अन्ना को लग रहा होगा कि उनका प्रिय छोटा भाई मुन्ना उनकी कितनी सेवा करता है। पर उन्हें ज्ञात नहीं है कि ये सब हम उन्हें और सुदामा को अपना दायां और बायां हाथ बनाए रखने के लिए कर रहे हैं। पर हम तो समझते थे कि मैं आपका बायां हाथ हूँ। मैं आपका दायां हाथ हूँ। गधे। अरे मूर्खो, तुम दोनों को तो हम अपना दायां और बायां पांव भी ना बनाएं। अब हम सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएंगे। जब हमारे पास अन्ना और सुदामा जैसे दो दो चतुर मस्तिष्क होंगे तो हमारी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा। बस अब इन दोनों को अपने हाथ की कठपुतली बनाकर हम विजयनगर के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएंगे, और इन्हें भनक भी नहीं लगेगी। यही हमारी असली योजना है। मेरा भोला भाई कितने प्रेम से हमारी सेवा कर रहा है, और उसे ज्ञात ही नहीं कि उसकी सेवा का मेवा हमें मिलने वाला है। उसे लग रहा है कि हम उसकी यहाँ सहायता करने आए, पर हम तो उसकी गद्दी हथियाने आए। राजगुरु का पद, राजगुरु अन्नाचार्य, और बेचारे मुन्नाचार्य को तो आभास भी नहीं है कि यही हमारी असली योजना है। वहां दोनों महान पंडित अपना अपना उल्लू सीधा करने में लगे होंगे, और उन्हें ज्ञात भी नहीं होगा कि पंडित रामाकृष्ण का स्थान लेकर महाराज कृष्णदेव राय की मृत्यु ही मेरी असली योजना है। और महाराज की मौत के बाद विजयनगर पे हुकूमत करने का मकसद मेरा है। फिर मैं धूल चटाऊंगा उस बाबर को जिसने मुझे दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर किया है। और तुम तो जानते हो कि ऊंट का पेट जीरे से भर सकता है, लेकिन किंतु दौलत खान चुनौती नहीं हार सकता।
ये तो कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है शारदा। हाँ बापू, परंतु अब आप बस विचलित मत होना। आप विचलित होते हो तो कुछ भी नहीं सोच पाते। हमें यहाँ से शीघ्र निकलना होगा, महाराज का जीवन संकट में है। इसलिए कृष्ण देव राय को मौत के घाट उतारने के लिए तुम्हें पंडित रामाकृष्ण की जगह आना होगा, और उनकी जगह आने से अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, खुद असली पंडित रामाकृष्ण भी नहीं। और मैंने उसका इंतजाम कर दिया है। कौन है ये जो मेरा स्थान लेना चाहता है? प्रश्न ये उठता है कि मेरे होते हुए ये ऐसा करेगा कैसे? तमाम, अभी तुम काम तमाम करते थे, ताला क्यों नहीं लगाया? जाओ सके ताला लगाओ। माफी हुजूर। इसने मुझे देख लिया है और हमारी संपूर्ण योजना भी सुन ली है। अब ये किसी भी हाल में यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मेरी चुनौती ये है कि मेरे यहाँ रहते ये यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, और तुम अच्छे से जानते हो कि ऊंट का पेट जीरे से भर सकता है, लेकिन दौलत खान कोई चुनौती नहीं हार सकता। ये क्या था? वो व्यक्ति देखने में बिल्कुल आपके समान प्रतीत हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो द्वार की दूसरी ओर कोई दर्पण रखा हो। ऐसे कैसे मेरे समान प्रतीत हो रहा था? वो उसकी नाक देखी थी कितनी लंबी थी, और उसका पेट भी निकला हुआ था, और चोटी तो बहुत ही छोटी थी। नहीं नहीं नहीं, नाक भी समान थी, पेट भी समान था, और चोटी भी समान थी। ए बंधु। हाँ रामा, सब कुछ समान था, जैसे कोई मेरी जुड़वा बहन हो, परंतु निश्चित तौर पर मेरी भांति वार्तालाप नहीं करती होगी। हमें तो संदेह हो रहा है कि आप भी असली हैं या कोई तीसरे हैं। ईश्वर, यदि तुम पहचानने में त्रुटि कर रही हो तो इसका अर्थ यह है कि कोई नहीं पहचान पाएगा कि असली कौन है और नकली कौन। असली और नकली का फैसला तो कल दरबार में होगा, जब तुम पहली बार वहां जाओगे। चिंता मत करो दौलत खान, मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं। वहां जाऊंगा और अपनी छाप छोड़कर ही आऊंगा। अरे कहाँ गया द्वार? यही तो था। ये कोई संकेत मिल क्यों नहीं रहा है? आप इतने विचलित मत होइए। आप जब भी विचलित होते हैं कुछ ना कुछ उल्टा ही होता है। अरे सब कुछ उल्टा हो ही रहा है शारदा, और तुम कह रही हो कि मैं विचलित ना हूँ। कल वो बहुरूपिया दरबार जाएगा मेरा स्थान लेकर, वहां पहुंचकर महाराज को प्रभावित करेगा, और उसके पश्चात महाराज के समीप जाकर मैं अर्थात पंडित रामाकृष्ण बनकर उनका वध कर देगा, और तुम कह रही हो कि मैं विचलित ना हूँ। अरे हाँ, तब तो संपूर्ण आरोप आप पे आ जाएगा। संकट ये नहीं है कि आरोप मुझ पर आएगा, चिंता का विषय ये है कि महाराज का जीवन संकट में है। हाँ, इस पे तुमने ध्यान ही नहीं दिया। देखिए आप चिंता मत कीजिए, वो एक दिवस नाटक करेगा, दो दिवस करेगा, तत्पश्चात बहरूप में पकड़ा ही जाएगा। शारदा की बात तो अच्छी लग रही है, पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमेशा के लिए हमें यहीं रहना पड़ेगा। अरे गधो, इतना दूर दूर क्यों चल रहे हो? अब हम सदैव आपसे दूर ही दूर चलेंगे गुरु जी। हाँ, और में हम आपकी परछाई बनके सदा आपके साथ साथ चला करते थे, क्योंकि हमें लगता था कि धनी आपका दाया हाथ और मनी आपका बाया हाथ। अरे नहीं, इनका हाथ तो अन्ना और सुदामा है ना? हाँ, सुदामा ही है। गुरु जी, ये सुदामा पेड़ के पीछे नृत्य क्यों कर रहा है?
दरबार में जाके सबके समक्ष ना करूं, इसलिए पहले से ही करके समाप्त कर ले रहा हूं। देखो आज प्रथम दिवस है, अधिक महत्वपूर्ण है, कोई भी ऐसी वैसी त्रुटि मत करना, समझ गए? हाँ। और हाँ सुनो, ये जो हमने तुम्हें नया अंग वस्त्र दिया है, इसे बाएं कंधे पर ऐसे ही रखना ताकि ये चोट का जो चिन्ह है वो छुपा रहे, हैं? समझ गए? हाँ। और ये तो बिल्कुल मत करना। क्या मत करना छोटे स्वामी? कुछ मत बोलना, ये तू बोल दिया तो ये फिर से शुरू हो जाएगा। किसी ने इसके सामने खुजली का नाम ले भी लिया तो नियंत्रण करना कठिन है। क्या ना करूं छोटे स्वामी? कुछ भी करना, जो चाहे करना, परंतु कोई त्रुटि नहीं करना। दरबार हमारे पहुंचने के पश्चात आना। जी जो आ गया। हाँ आओ। आज तो महाराज कुछ अधिक ही गंभीर लग रहे हैं। सभी उपस्थित हैं, बस पंडित रामकृष्ण अब तक नहीं आए। नामंत्री जी अर्थात आज भी विलंब से आएंगे वो, परंतु आज तो हम उन्हें निष्कासित करके छोड़ेंगे। गंभीर ही नहीं, आज तो बड़े क्रोध में भी हैं। यदि सुदामा पकड़ा गया तो कारागार में नहीं सीधे ऊपर जाएगा। आनंद आ जाएगा। सात दिवस होते हैं सप्ताह में, परंतु पंडित रामकृष्ण तो आठ दिवस विलंब से आते हैं प्रति सप्ताह। महाराज महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कब आते हैं, महत्वपूर्ण ये है कि आकर कार्य करते हैं कि नहीं। गुरुवर आप पंडित रामकृष्ण का पक्ष ले रहे हैं? नहीं, हमने ऐसा कब किया? अभी किया आपने। हाँ वो त्रुटि से हो गया होगा, हम तो पंडित रामकृष्ण का पक्ष ले ही नहीं सकते। हम क्यों करेंगे पंडित रामकृष्ण का बचाव? कहीं तो होगा बाहर जाने का मार्ग। बाहर जाने का मार्ग तो नहीं है, परंतु ये झरोखा है बाहर की ओर देखने के लिए। आधा सूर्योदय हो चुका है, अर्थात मेरे दरबार जाने का समय हो चुका है, किंतु मेरे स्थान पर वो जाएगा। अरे इतना सरल है कि उस भैरूपिया का पंडित रामकृष्ण बनके दरबार जाना? पसीना छूट जाएगा उसका। कदम धरते रहेंगे।